टेक्सिल.com के YouTube चैनल पर मैं CA सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के लिए GST की एनुअल रिटर्न और GST के अंतर्गत ऑडिट कराने के लिए डेट को एक्सटेंड कर दिया है। यदि कोई रेगुलर टैक्स पेयर है तो उसे GST की एनुअल रिटर्न GSTN9 में फाइल करनी है और कंपोजिशन टैक्स पेयर को अपनी रिटर्न GSTN9A में फाइल करनी है। यदि किसी टैक्स पेयर की टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में उसे ऑडिट कराना है और रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट फॉर्म GSTN9C में GST पोर्टल पर अपलोड करनी है। पहले यह डेट एक्सटेंड कर 31 दिसंबर से 31 मार्च 2019 की गई थी, लेकिन अब GST काउंसिल मीटिंग में जो कि 22 दिसंबर 2018 को हुई है, उसमें डिसीजन लिया गया कि इस डेट को एक्सटेंड कर 30 जून 2019 कर दिया जाए। इस प्रकार GST के अंतर्गत एनुअल रिटर्न और ऑडिट करवाने के लिए डेट फाइनेंशियल 2017-18 के लिए 30 जून 2019 कर दी गई है। GST एक्ट के अंतर्गत एनुअल रिटर्न की क्या प्रोविजंस है इसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो को बनाया है, जैसे कि आपको इस वीडियो में जवाब मिलेंगे कि GST के एनुअल रिटर्न को किसे फाइल करना है, इसके लिए क्या फॉर्मेट दिया गया है और ड्यू डेट क्या है। इन सभी क्वेश्चन के जवाब के लिए आप इस लिंक को क्लिक कर सकते हैं, जिसका के लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। इसके अलावा 31 GST काउंसिल मीटिंग में जो डिसीजन लिए गए हैं उनको रेफर करने के लिए लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। GST पर नई बुक्स मार्केट में आ गई हैं, इन बुक्स को रेफर करने के लिए लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप GST के कंसेप्ट को समझना चाहते हैं या फिर GST के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी पर जाकर मेरी प्रोफाइल में वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। और आप अनअकैडमी की लर्नर ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक है GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। GST टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सिल की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसे लगी इसके बारे में हमें बताएं, लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं। यदि आप GST से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारे प्रीवियस GST न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं।